पाकिस्तान ने समझा कि हमारी फौज, हम सुरक्षा में लगे लोगों की दवाइयों में हम कमजोर पड़ गए, और आपके चैनल पे कहा था उस पाकिस्तानी को तुम्हें दो दिन में जवाब मिलेगा, तीसरा दिन नहीं होगा। क्या जवाब दिया? दिया जवाब? कहा है वो पाकिस्तानी पकड़ के लाओ, लाओ टुकड़े टुकड़े गैंग को, लाओ उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो सुरक्षा पे सवाल उठाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। हंडवाड़ा के बलिदान का पहला बदला आज पूरा हो गया। हिजबुल के कमांडर रियाज नायक को हमारे वीर सैनिकों ने मार गिराया। जब एनकाउंटर हुआ तो रियाज नायक सुरंग में छिपा हुआ था, चूहे की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह, एक कीड़े और एक मकोड़ी की तरह मिट्टी में घुसा हुआ था। हमारे जाबाजों ने उसे वहीं पर दफन कर दिया। ये रियाज नायक खुद को आतंक का पोस्टर बॉय कहता था, लेकिन वो पोस्टर बॉय नहीं था, वो पाकिस्तान का प्यादा था। प्यादा बिट्टा साहब, सज्जार पोस्टर बॉय, जाकिर मूसा पोस्टर बॉय, अरे सबको मारा और ऐसे मारा, इतना मजा आया मारते हुए। गौरव, बोल दीजिए इन पाकिस्तानियों को बिट्टा जी कि जब भारतीय फौज पहुंचती है, जब फेस टू फेस फाइटिंग होती है, फेस टू फेस है ना, ये गीदड़ों की तरह पीछे से वार नहीं करते, फेस टू फेस जब फाइटिंग होती है तो कीड़े मकोड़े की तरह बैठा हुआ था अपने घर में, सुरंग में बैठा हुआ था बिट्टा जी, ये कायर पाकिस्तानी कहीं के। बिट्टा जी, ये पाकिस्तान कितने पाकिस्तानियों को मारना पड़ेगा बताइए आप, पूछता है भारत। मजा तो आता है मारते हुए। गोस्वामी जी, आपने बड़ा सही कहा। नहीं नहीं, आप सुनिए, मजा तो आता है, आपने कहा बड़ा, और ये भी कहा आज का भारत, हमने भी बचपन से लड़ाइयां लड़ी हैं, शरीरों पे बम खाए हैं। ये पाकिस्तान आईएसआई ने मेरे पे बम चलाए थे, 40 किलो आरडीएक्स, 50 किलो आरडीएक्स, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, मैं जानता हूं इनको बचपन से। मुझे आज के भारत की तस्वीर, हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल आज पूछूंगा, क्या 5 साल के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, छोड़ो पठानकोट दीनानगर नगर की घटना, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिवाली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, ट्रेनों के अंदर, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, मुझे बताइए गोस्वामी जी, एक घटना हुई? देश की जनता को बताइए, एक घटना हुई? नहीं हुई। हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, ये पीठ पे छुरा मारा है जब कोरोना के ऊपर हिंदुस्तान का वो मानवता का रक्षक नरेंद्र मोदी, मानवता की रक्षा के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा के लिए दवाइयां दे रहा है। और पाकिस्तान ने समझा कि हमारी फौज, हम सुरक्षा में लगे लोगों की दवाइयों में हम कमजोर पड़ गए, और आपके चैनल पे कहा था उस पाकिस्तानी को तुम्हें दो दिन में जवाब मिलेगा, तीसरा दिन नहीं होगा। क्या जवाब दिया? दिया जवाब? कहा है वो पाकिस्तानी पकड़ के लाओ, लाओ टुकड़े टुकड़े गैंग को, लाओ उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो सुरक्षा पे सवाल उठाती हैं, जो फौज पे सवाल उठाती हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाती हैं, जो 370 धारा पे सवाल उठाती हैं, जो राम जन्म भूमि पे सवाल उठाती, उनको बिठाइए आज हमारे साथ, उनको पूछे कि इस देश का नमक खा करके, इस देश में जन्म लेकर के, इस देश के साथ गद्दारी करते हो। और उनको आज कहना चाहूंगा, घर में बैठी हुई वो पॉलिटिकल पार्टियां, कवि प्रदीप जी ने कहा था, कहनी है एक बात, ये इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग को लाइए, पाकिस्तान का कौन है? हाँ, आप हमें माइक ठीक से लगाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं, बुरहान वानी को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, 19-20 साल का लड़का बंदूक उठाता है, इंडियन टायरेंट, वो आर्मी के खिलाफ
के वो वहाँ पे जो कुछ भी वो स्टेज कर रहे हैं असल में वो टेररिज्म है जिसको रोकने के लिए बुरहान वानी जैसे नौजवान खड़े हो। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। लेक्चर की बात करते हैं, बात करते हैं आप बुरहान वानी पहली दफा नहीं हो रहा, नहीं आप उस लड़के की बात करते हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, जिन्होंने जवानों को शहीद कर दिया, उस बुरहान वानी की बात करते हैं। किसने हथियार भेजा, किसने भेजा हथियार? आपने भेजा हथियार, हमने नहीं दिया उसको। आप बुरहान वानी को लड़का कहते हैं आज का? वो कश्मीर उसको गली गली कहते हैं आज का? श्रीनगर की गली गली में था बाहर पहले रिपब्लिक चैनल के गोताबाज के नारे लगाते हैं, क्या जवाब दिया हिंदुस्तान की फौज ने? जाने नहीं रुकेंगे आगे, फिर तैयार खड़े देने के लिए आज फिर चैलेंज करते हैं आपको। कितने बुरहान वानी मारेंगे आगे, क्या मारेंगे? देखते रहना, जगह आपकी होगी, टाइम हमारा होगा, दिन हमारा होगा, जगह आप कितनी दफा कह सकते आप करते तो है नहीं, हम लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। याद रखिएगा, हमने हमने चैलेंज किया था, क्या हमने किया? अरे हिम्मत करके दिखाई, करोगे नहीं? बालाकोट का ऑपरेशन 15 मिनट के अंदर करके दिखाया, 14 जवान शहीद किए, घुस कर 10 मिनट में जवान आए, और हमारे जवान की वो पत्नी तिरंगा झंडा लिपटा आँख में आंसू नहीं, बच्चे की आँख में आंसू नहीं, बाप की आँखों में, ये हमारे बहने हैं, ये हमारे बहादुर छोटे छोटे बच्चे योद्धे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आप तो कायर है, आप तो पीठ पे झूले मारते हैं, हम दवाई देने की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, आप आतंकवाद चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री बार बार कहना चाहता हूँ मोदी है, छोड़े एक मिनट मैं बजाऊंगा राजा का बाजा। राजा एक बात बताओ मुझे, बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर लोकल, बुरहान वानी के अब्बू सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में, ठीक है, अब ये बताओ कि कमर जावेद बाजवा का लड़का कब आ रहा है जिहाद लड़ने? और डिबेट में आपके साथ बिट्टा भी है, आइए बिट्टा जी इनको जरा बता दीजिए कि पाकिस्तान में कब्रिस्तान बनाने की क्या जरूरत है, इनको समझा दीजिए बिट्टा जी, क्योंकि मैं इनको कह देता हूँ आज आप समझ नहीं रहे हो क्या करने वाले हैं। इनके पास जगह खत्म हो जाएगी गोस्वामी, आपको आइडिया ही नहीं है। मैं बार बार दोहराता हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ हमारा संबंध नहीं, पर बच्चन बचपन का अनुभव, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जो देखा सिर्फ आप यकीन करें कि मैं ऐसे चने चबाएगा, सुनता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि हाथ में लिखा जाएगा आपके, तो तीन तीन प्रधानमंत्री साल में बदल जाते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जल्दी नहीं बदलता, आप लोग आते हो गुजरात में रहता है 5-5 बार, दिल्ली में आए 10-10 बार, आपको खत्म करके जाएगा वो, याद रखिएगा। बकर समीर को मारा कि नहीं मारा? आशुतोष शर्मा जी और मारा कि नहीं मारा? बिट्टा जी बोल रहे, बोलिए इनको, आप अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे कि नहीं? आप क्या इसके बाद भी इनको भेजते रहेंगे? आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे कि नहीं? आखिरी मौका है, अरे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, आप सुधरोगे कि नहीं बताइए मुझे, याद रख लीजिए, बार बार मैं आपको दोहराता हूँ, दो मौका, अब तीसरा मौका नहीं दिया जाता। कश्मीर में आपकी फौज का कब्रिस्तान बन रहे हैं और मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। सुनिए, अरे अरे कश्मीर कब्रिस्तान बनाएंगे, तुम्हारा कब्रिस्तान बनाएंगे, आतंकवादियों का कब्रिस्तान बनाएंगे, जो गुंडे भेजते हो ट्रेनिंग करके उनका जगह नहीं मिलेगी, काट काट के मारेंगे। आज की अगर तस्वीर दिखा दूं, तस्वीर आज की दिखा दूं आतंकवादी की, किस तरीके से ठोंका है उसको, अरे कहां बैठे नरेंद्र मोदी का चर्चा करते हो? अरे नरेंद्र मोदी रात को नींद नहीं आती,
बच्चों को कहते हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया। एक सवाल उमर अल्ताफ से लड़ने के लिए। उमर अल्ताफ, हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उमर अल्ताफ से, बोलो कि पाकिस्तानी फौज कहाँ छुपी हुई है ये बताओ। बाजवा कौन से बिल में घुसा ये बताओ। कौन से बिल में घुसा है बाजवा, उसको निकालो। बेचारा नायकू मर गया, पाकिस्तान का शहीद बन गया, और हिजबुल मुजाहिदीन ने बोला नायकू को हमने शहीद बना दिया। अरे भाई, अपनी आजादी के लिए लड़ नकाब पहन रहे थे अब तक तो कहते थे पाकिस्तानी नहीं है, नकाब पहन रहे थे उन्होंने, नकाब खुल गई है इनकी बिट्टा जी। अब तक कहते थे नहीं नहीं ये कश्मीरी है, अभी कह रहे नहीं पाकिस्तानी है, शहीद बन गया। अरे इनके नकाब गोस्वामी जी क्या खोलोगे, दुनिया के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। हमने बाद में कहा, अमेरिका ने कहा, दुनिया में कहा। और गोस्वामी जी, ये कोरोना खत्म होने के बाद पाकिस्तान को यूएनओ में आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा, इतने सबूत आ चुके हैं। आतंकवादी देश पे नाना जाना जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। कारगिल का युद्ध, पार्लियामेंट में हमला, 26/11 की घटना, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, ये पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब ऑक्यूपाई कश्मीर लेके रहेंगे आपके, याद रखना। आपने पीठ पे छुरा मारा है। अरे काम अभी तो सैंपल है, ये बालाकोट और आज का ऑपरेशन सैंपल था। अगले तो देखना, सुबह उठेंगे तो देखेंगे क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर। जगह आपकी, टाइम हमारा, दिन हमारा, चैलेंज करके कहते हैं।